काम की फिक्र और फिक्री तरबियत इंसान की उस वक्त होगी जब दो चीज़ें पाई जाएंगी, एक तो मजबूत और ठोस दिल पाया जाएगा और दूसरा तजकिया रूहानियत मजबूत होगी तो फिक्री तरबियत होगी इंसान की। फिक्री तरबियत के लिए सूरतुल असर वल असर, इसको काम की फिक्र के पींच के हैसियत हासिल है। काम की फिक्र का फिक्री तरबियत का बीज है गोया के। तो पहले इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि सूरतुल असर क्या है, वरना असर क्या है। सूरतुल असर के अंदर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं और सूरतुल असर के अंदर जो बात अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो बात कुरान मजीद में कितनी जगहों पे अल्लाह ताला फरमाए हैं। ये जो काम है दीन दोस्ती का काम, इस काम को समझने के लिए हमारे जहनी तरबियत होने के लिए, फिक्री तरबियत होने के लिए कि इस वक्त दुनिया में क्या चल रहा है, हर मुसलमान इस वक्त दुनिया के अंदर हर मुसलमान के अंदर तब्दीली कैसे आए, बदलाव कैसे आए, उसके लिए ज़रूरी है कि मुसलमानों की गफलत दूर हो। मुसलमानों के अंदर इस वक्त क्या है, गफलत की कैफियत है। हर मुसलमान समझ रहा कि मैं सुकून में हूँ, जन्नत मेरे वास्ते जन्नत तरह बना के रखे हुए, मैं जन्नत पर जाना है सीधा। दुनिया की तरफ कैसे भी रहो क्या भी रहो जन्नत में तो जाना चाहते हो, ये हर मुसलमान सोच के बैठा हुआ है अपनी जगह पे। और हर मुसलमान समझ रहा कि मैं बहुत अच्छी हालत में हूँ, मेरी हालत बहुत अच्छी है, अपने गुनाहों की तरफ या आखिरत से जो गफलत है उसकी तरफ नज़र नहीं आ रही, नज़र नहीं जा रही। दुनिया में जो गैर मुस्लिम है उनके अंदर गफलत पाई जाए तो वो तो समझ में आने वाली बात है कि वो दुनिया को सब कुछ समझ के बैठे हुए हैं। उनका काम क्या है, गैर मुस्लिमों का काम यह है कि ज़िंदगी मस्त गुजारना, ज़बरदस्त गुजारना, हर वक्त तफरी होना, हर वक्त पिकनिक होना, हर वक्त जो है ना टाइम पास होना बेहतरीन तरीके से, खेल कूद। आप देखो दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा और बहुत ज़्यादा पैसा खेल कूद में सर्फ हो रहा है। खेल कूद में बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, खिलाने वाले खिला रहे हैं, देखने वाले देख रहे हैं, उस पर सट्टा खेलने वाले सट्टा खेल रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर गफलत ही गफलत। तो गैर मुस्लिमों के अंदर अगर गफलत पाई जाए, अगर दुनिया की ज़िंदगी कोई जन्नत समझ के बैठे हुए रहे गैर मुस्लिम तो हमें समझ में आता है। लेकिन यही काम अगर मुसलमान करे, मुसलमान अगर दुनिया की ज़िंदगी को ही सब कुछ समझ के बैठे और आखिरत से बिल्कुल गाफिल हो, गफलत पाई जाए उसके अंदर, तो मेरे भाइयों ये चीज़ हमें समझ में नहीं आती। इसलिए कि कुरान मजीद का बहुत बड़ा हिस्सा मुसलमानों को गफलत से बेदार करने के लिए आया है। अंबिया अकरम अलैहिस्सलाम जितने आते थे सारे नबी जो है यही काम करते थे, इंतजार, इसको कहते हैं इंतजार, यानी डराना, डराने का काम, गफलत से निकालने का काम। अंबिया अकरम अलैहिस्सलाम के ये दीनी दोस्ती का जो काम है ये कार्य नबूवत है, ये अंबिया अकरम अलैहिस्सलाम का काम है। इसको नाम दे दिए दीनी दोस्ती बोल के, हल्का फुल्का नाम दे दिए। बाकी ये काम क्या है, ये काम दावत का काम है। इस काम में मुसलमानों के दरमियान में भी दावत हो, गैर मुस्लिमों के दरमियान में भी दावत हो, तबलीग का काम हो, अल्लाह की तरफ बुलाया जाए, अल्लाह और आखिरत की फिक्र पैदा की जाए। एक मुसलमान को आखिरत का शौक, फिक्र, अल्लाह से मिलने का शौक उसके अंदर पैदा किया जाए, गफलत से उसको निकाला जाए। और यही काम अंबिया करते थे। हर कभी आता था डराता था, भाई देखो एक एक दिन आने वाला है, कयामत का दिन आने वाला है, तुम्हारा हर अमल तोड़ तोड़ के सामने कर दिया जाएगा, तुम्हारी पूरी जिंदगी सामने होगी, अच्छा करे तो वो भी सामने होगा, बुरा करे तो वो भी सामने होगा, वो दिन आने वाला है। उस दिन के आने से पहले पहले अपनी तैयारी कर दो, भाई फिक्र कर दो, उसकी फिक्र कर दो, इंतजार का काम। जब ऐसा डरा देते जैसा घंटी बज रही है गोया के, घंटी बज रही है तो टन टन टन, बस अब आने वाला है वक्त तुम्हारा। अल्लाह के रसूल साहब ने शुरुआत यहीं से करते ना, सब सफा पहाड़ी पे चढ़ के बोले थे कि अल्लाह का अजाब आने वाला है,
अल्लाह का आजाब आने वाला है। तो सूरतुल असर के अंदर अल्लाह ताला यही बता रहे हैं, असर इन्नल इंसान लफी खुसर, कसम है जमाने की तमाम के तमाम इंसान खसारे में है, सारे इंसान जहन्नम में जाने वाले, जितने इंसान है सारे जहन्नम में जाने वाले, सब बर्बाद है, बर्बादी के किनारे में बिल्कुल खड़े हुए। सिर्फ चार काम करने वाले लोग बचे हुए हैं, जो आगे चार काम बताए, ये चार काम करने वाले बचे हुए हैं, ये चार काम जो नहीं कर गए वो जहन्नम में जाने वाले हैं, हमेशा हमेशा के खसारे में, उनकी जो तिजारत है वो नुकसान में है। और कुरान मजीद के अंदर जितने सूरते मक्के में नाजिल हुए वो सारी सूरते जो है ना उसके अंदर ये जब कयामत का तस्किरा, जहन्नम का तस्किरा, आखिरत का तस्किरा, अल्लाह के अजाबों का तस्किरा बक्की सूरतों के अंदर। तो आप यूं समझ लो कि इंदर इंसान लफी खुसर का जो एक आयत है, इसी आयत को अल्लाह ताला कुरान मजीद में अल्फाज बदल बदल के, अंदाज बदल बदल के कई सूरतों में अल्लाह ताला समझाए, इज़ शम्स कुव्वरत, इज़ समाउ शक्कत, इज़ समाउ फतरत, अल्हाक्का मल्हाक्का, अल्कारियातु मल्कारिया, ऐसे कितने सूरे कुरान मजीद के अंदर तकरीबन मक्की सूरतों के अंदर जहन्नम का तज़किरा, तकरीबन मक्की सूरतों के अंदर अज़ाबों का तज़किरा, क़यामत के दिन का तज़किरा। क़यामत के दिन को तो अल्लाह ताला ने इतना खोल खोल के समझाया है, सूरज ऐसा हो जाएगा, जमीन ऐसी हो जाएगी, सितारे सारे के सारे बुझ जाएंगे, ये हौलनाक तबाही का दिन, 50,000 साल का दिन आने वाला है। उस दिन को खोल खोल के अल्लाह ने जो उसको बताया उसके ऊपर क़यामत के मंजर, क़यामत के मनाजिर, इसके नाम से किताबें हैं कई बड़ी बड़ी किताबें, जिसके अंदर सिर्फ वो एक दिन का तज़किरा है तफसील से, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा, जमीन ऐसी होगी, इंसानों की ये कैफियत होगी, इसराफ़ील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे तो ऐसा होगा, क़यामत के दिन कोई किसी को नहीं पूछेगा, कोई किसी को नहीं देखेगा, यौमा यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीह, भाई भाई से भागेगा, माँ बाप से औलाद भागेगी, औलाद माँ बाप से भागेंगे, बीवी को देख के शौहर को छुपाएगा, शौहर को देख के बीवी भागेगी, ये कैफियत क़यामत के दिन की नफ्सा नफ्सी की कैफियत, कोई किसी का साथ नहीं देगा। उस दिन को अल्लाह ने खोल खोल के समझाया, डराया, और उसके बारे में जो ना अल्लाह ताला ने बहुत तफसील से बताया है, वो सारा जो बताया ना वो सिर्फ एक जुमले का तफसीली तज़किरा है, समझ लो आप, ये एक जुमले की तफसील है, ये एक जुमले की तशरीह है, इन्नल इंसान लफी खुसर, तमाम के तमाम इंसान हलाकत और बर्बादी में है, तमाम के तमाम इंसान। तो मेरे भाइयों, ये मज़ामून सूरतुल असर को खोल खोल के तफसील के साथ उसके तहत में जितने मज़मून आते हैं, ये सारे मज़मून अगर हर दिनी दोस्त याद करेगा, लिख के अपने पास लिख के याद करेगा, तो इसके बहुत फायदे होंगे। एक तो खुद आपको समझ में आएगा कि हम जो काम कर रहे हैं ये काम अपनी नजात के लिए कितना जरूरी है, और अपने मुसलमान भाइयों को गफलत से निकालने के लिए कितना जरूरी है। याद रखना, जिस मुसलमान के दिल में दूसरे मुसलमानों की दीन से बेजारी या गफलत का दर्द नहीं है, वो मुसलमान हकीकत में मुसलमान नहीं है। जिसके दिल में दर्द नहीं है उम्मत की दीन से बेजारी पे, उम्मत के जो है दीन से दूरी पे, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से उम्मत जो आंखें चुरा चुरा के बैठी हुई है इस वक्त, अपने अपनी जिंदगी में अल्लाह के नबी की शरीयत को लाना नहीं चाह रही, उसका दर्द अगर दिल में नहीं है तो फिर हम मुसलमान हकीकत में नहीं है, मुसलमान नहीं है। सिर्फ मैं मेरी लाइफ, मैं मेरे मजे, मैं मेरे ऐश इशरत, मैं और मेरी जिंदगी, अगर ऐसा सोच के हम बैठे हुए हैं तो मेरे भाइयों याद रखना हमारी नजात नहीं हो सकती, हमारी नजात नहीं हो सकती। इसलिए अल्लाह ताला ने इस उम्मत को जोड़ के रखा है, ये जो मज़ामीन है जोड़ के वतवासो बिलहकी वतवासो बिस्सब्र के अंदर आएंगे। लेकिन उससे पहले जो मज़मून आएगा, पहला काम जो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि डर पैदा करो अपने अंदर भी, दूसरों के अंदर भी, क़यामत के दिन का डर, अल्लाह का डर, आखिरत की फिक्र, ये इंसान का काम। ये मज़ामीन अगर हमारे दीनी दोस्तों को याद होंगे अच्छी तरीके से, तो पहले तो अपनी गफलत दूर होगी, दूसरा जो है अपने साथियों की गफलत दूर कर सकते हैं हम। इसलिए कि ये काम जब शुरू होगा तो बहुत चलते रहेगा, तो बहुत सारे साथी कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, कभी जो है वक्त देंगे कभी वक्त नहीं देंगे। अगर हम उनके सामने इन मज़ामीन को अच्छे अंदाज से खोल खोल के समझा सके, हम उनको बता सके कि भाई कितना ज़रूरी है, देखो कितना ज़रूरी है दीनी दोस्ती में आना, दीनी दोस्ती का काम करना कितना ज़रूरी है, अपनी अपनी आखिरत बनाने के लिए कितना ज़रूरी है, ये अगर हम खोल खोल के समझा सके उनको, नकीबों को, जिम्मेदारों को, और दो दो तीन तीन साल से जो लोग दीनी दोस्ती के काम में जुड़ रहे हैं उनको खास तौर पर ये मज़ामीन पे उबूर हासिल होना,
ये मजामी जो सिर्फ थोड़े बताए जाएंगे इसको और अच्छे तरह से खोल सकना समझ सकना इसको, तो इसके लिए जो है ना सबसे पहला काम तो ये कि हर साथी की कापी में उसके अपने हाथ से लिखा हुआ रहना जो लिखाया जा रहा है, हर साथी की कापी में रहना अपने हाथ से लिखा हुआ। दूसरा जो है उसको चेक कराना लिखने के बाद, इंशाल्लाह दो तीन नाम जिम्मेदारों के आपको बताए जाएंगे, वो जिम्मेदारों की सिग्नेचर देना नीचे चेक करा के कापी बता के। अभी हो सका था बर्फ लिख लीजिए या फेर लिख लीजिए, आपकी राइटिंग पे आपके लिखने की टैलेंट पे डिपेंड करता है कि आप कैसा लिखते हैं, लेकिन फेर अंदाज में अच्छा खुला खुला समझ में हमेशा हर साथी की कापी में ये लिखा हुआ रखना एक चीज। दूसरी चीज इसको याद करना है, याद करके एक हफ्ता टाइम है, एक हफ्ते में जितना दो सफे होंगे आप कैसा लिखेंगे, खुला खुला लिखे तो तीन सफे हो सकते, करीब करीब लिखे तो दो सफे हो सकते, ये इसको याद करना है। याद कैसा करेंगे इंशाल्लाह लिखाने के बाद आखिर में थोड़ा उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे, याद कैसा करना है। एक हफ्ते में याद हो जाना, जोड़ियां बना के याद करिए, एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा करके सुना के याद करिए, ऐसा भी करिए, लेकिन एक हफ्ते में ये आपको याद रखना है ये मजा भी, और इससे जो है इंशाल्लाह आपकी जिंदगी में भी बहुत फर्क आएगा, आपको खुद भी जो है समझ में आएगा। इल्म होगा तो इंसान अमल कर सकेगा, इल्म अगर नहीं है तो समझ में अमल नहीं करता। और जो काम आप कर रहे हैं वो काम पूरी बसीरत से करना, अलटा खाली नहीं पकड़ के लेके आ गए कोई समझा गया कोई चलो अच्छा फायदा हो जाएगा आ गए, ऐसा नहीं। आप जो कर रहे हैं पूरी बसीरत के साथ समझ के, ये काम मेरी जिंदगी बदलने के लिए कितना जरूरी है और दूसरों की जिंदगी बदलने के लिए भी कितना जरूरी है, कोशिश करें कि हर साथ इसमें हिस्सा ले। तो लिखना शुरू करें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पहला सबक लिखें उस पर, पहला सबक आप जो लिख रहे हो आपको समझ में आना, क्या लिख रहे हैं आप, आपको नहीं समझ में आता तो कौन समझ सकेगा उसको, वो समझ में आना आपको क्या लिख रहे हैं आप। अगर कोई चीज नहीं लिख सके तो आप पूछ सकते, पूछ सकते हैं। इसमें कुरान की आयतें भी बहुत सारी आएंगी, तो आम साथियों के लिए कुरान की आयतें याद करना आसान नहीं है, तो जो आम साथी हैं या फिर जिनको कुरान मजीद याद करने का ज्यादा वो नहीं है सर, तो वो लोग जो तर्जुमा कम से कम याद रखना है इसका, पहला पहला सबक लिख लीजिए और उसके बाद लिखिए फिक्री तरबियत। फिक्री तरबियत उसके बाद लिखिए या उसके नीचे लिखिए कि पूरे काम की फिक्र का बीज, बीज पूरे काम की फिक्र का बीज, उर्दू किसको किस बात की इसमें से, उर्दू उर्दू वाले बहुत कम है, रोमन वाले ज्यादा है, रोमन इंग्लिश वाले नहीं। मेरा कौन सी लैंग्वेज में लिखते लिख लीजिए आप, तेलुगु में लिखते हैं तेलुगु में लिखिए, किसमें लिखते लिखिए, मगर याद करना असल है। पूरे काम की फिक्र का बीज सूरतुल असल है। मैं थोड़ा रुक रुक के इसलिए बोलूं कि हर साथी लिख सके, तो जो जल्दी लिख रहे उनको गुस्सा नहीं आना मेरे ऊपर। पूरे काम की फिक्र का बीज सूरतुल असल है, देखिए दाई का पहला काम, दाई यानी दावत देने वाला, दाई का पहला काम ऐश और गफलत की जगह बुरे अंजाम से बचने की फिक्र पैदा करना, ऐश और गफलत की जगह बुरे अंजाम से बचने की फिक्र पैदा करना, देखिए बचने की फिक्र पैदा करना, अंजाम से बचने की फिक्र पैदा करना, देखिए आगे लिखिए गफलत से बचाने वाले पॉइंट्स, गफलत से बचाने वाले पॉइंट्स
कोई चीज नीचे मतलब हट के देश को अगर आप रख के देखे तो अगर अच्छा रहता था मगर देश का कांसला तो ऐसा अपने पैर पे अपने जानू पे या नीचे रख के दिखिए। पॉइंट नंबर वन, गफलत को झटका देने वाले आसिम आप नहीं लिख रहे लेकिन काफी रहे, गफलत को झटका देने वाले मजामीन पर महारत हासिल करना। मजामीन के बाजू टॉपिक्स लिख लो ब्रैकेट में, मजामीन के बाजू ब्रैकेट में टॉपिक्स, मजामीन पर महारत हासिल करना, मजामीन यानी टॉपिक्स पर गफलत को झटका देने वाले मजामीन पर महारत हासिल करना। गफलत को झटका देने वाले मजामीन यानी टॉपिक्स पर महारत हासिल करना। काफी किसी को जरूरत है तो मुफ्ती साहब पास काफी है, मुफ्ती करीम साहब के पास किसी को जरूरत है तो ले ले सकते हैं। गफलत को झटका देने वाले मजामीन पर महारत। पॉइंट नंबर टू, इंसान की तख्लीक, इंसान की तख्लीक, तख्लीक के बाद ब्रैकेट लगा के पैदाइश लिख लो, तख्लीक का मतलब पैदाइश। इंसान की तख्लीक ब्रैकेट यानी पैदाइश, पैदाइश को समझ में आता ना, इंसान की तख्लीक यानी पैदाइश बेमकसद नहीं है। बेमकसद नहीं है, बिलहक है, बिलहक, बेमकसद नहीं है, बिलहक है, बिलहक है। उसके बाद ब्रैकेट लगा के बिलहक का मतलब हक के साथ, हक के साथ है। इंसान की तख्लीक यानी पैदाइश बेमकसद नहीं है, बिलहक है यानी हक के साथ है। आयत लिख लीजिए, आयत इसकी दलील क्या है, वमा खलकना समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिलहक, वमा खलकना समावाति, मैं आयत जो ना इसका वो भी दिखा देता हूं कौन से पारे की है कौन सी सूरत की है, आयत नंबर क्या है, वमा खलकना समावाति, हां थोड़ा हिलो, वमा वमा खलकना समावाति, इसका तर्जमा भी लिख दीजिए, जिन लोगों को आयत लिखने नहीं आता अरबी लिखने नहीं आता या समझ में नहीं आता वो लोग इसका तर्जमा लिख लीजिए और आयत नंबर लिख दीजिए, बाद में अगर हो सका तो कुरान मजीद में देख के वो आयत लिख ले सकते हैं आप अपने पास। वमा खलकना समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा वल अर्ज़ा, वमा बैनहुमा वल अर्ज़ा, वल अर्ज़ा वाउ अलिफ लाम अलिफ रा सा वल अर्ज़ा। तो ये आयत क्या करें, अगर पूरा नहीं सकते तो थोड़ा लिख के उसके बाद देना अलग होने डालना अलिफ लाम खा इला आखिर ही आखिर तक अलग हो तो हाँ आयत नंबर ही बोल दो। ये सूरह हिजर की आयत है, चौदहवा पारा सूरह हिजर रुकू नंबर 15 आयत नंबर 85 सूरह हिजर 85 पारा नहीं लिखे भी चलता रुकू नंबर नहीं लिखे भी चलता आयत नंबर लिख दीजिए 85 आयत नंबर 85 सूरह हिजर आयत नंबर 85 आप जल्दी जल्दी लिखे तो जल्दी जल्दी छुट्टी होगी सुबह से बैठे
तो आयत जो है ना मैं आपको बता देता हूँ और आयत नंबर बता देता हूँ, आप उसको जो है लिख लीजिए। अरबी लिखनी मुश्किल हो रही, बहुत देर हो जा रही उसमें। मैं आपको आयत बता देता हूँ, आयत नंबर बता देता हूँ, आप लोग कुरान मजीद में देख के बाद में जाकर लिख ले सकते हैं या इसका तर्जुमा लिख लीजिए। वहाँ पर हमने समावाती वहाँ भैया हक, और हमने आसमानों और जमीन को, और हम तर्जुमा, और हमने आसमानों और जमीन को देखिए, और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है, और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है, आपका घर देने वाले हैं आज जमाने बाद दिखी हो तर्जुमा, और हमने आसमानों और जमीन को जो कुछ इन दोनों के दरमियान है उसको हक के साथ ही पैदा किया है। और हमने पीछे आप, और हमने आसमानों को और जमीन को और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है उसको हक के साथ ही पैदा किया है। और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है उसको हक के साथ ही पैदा किया है। इसके ऊपर पॉइंट टू लिखे थे ना ये आयत के ऊपर, इंसान की तकलीफ बेमकसद नहीं है, पॉइंट टू लिखे थे ना। ये पॉइंट्स इसलिए दिखाए जा रहे हैं कि पॉइंट्स के साथ लिखे तो याद करने में सहूलत होगी। लिख लिया आयत नंबर, लिखो सूरह हिज्र आयत नंबर 85। पॉइंट नंबर 3, खलीफा बनाकर भेजा है, खलीफा बनाकर भेजा है। खलीफा बनाकर भेजा है। देखिए सलाहियत कामा, सलाहियत मत कामा, सलाहियत सलाहियत कामा, अमानत और शऊर देकर भेजा है। अमानत और शऊर, शऊर शऊर माने समझ, जो लोग मुश्किल दिखाना बोला उसके बाद में लिख सकते हैं। शऊर माने समझ, जैसे कि बहुत सारे अल्फाज आपको एकदम उर्दू के गहरे अल्फाज देखेंगे, फसी अल्फाज देखेंगे, तो उसका हम क्या करना समझने के लिए व्याकरण मार के समझ, शऊर यानी समझ, सलाहियत अमानत और शऊर यानी समझ देकर भेजा है। इसलिए गफलत में रहना, सलाहियत अमानत और शऊर देकर भेजा है, इसलिए गफलत में रहना, आवाज ज्यादा हो रही है, गूंज रही है आवाज, इसलिए गफलत में रहना कामा, इसलिए गफलत में रहना कामा, दुनिया की मशगूलियत फिर कामा, दुनिया की मशगूलियत, मशगूलियत मशगूलियत तो मालूम ना, मशगूल होना, बिजी बिजी, दुनिया की मशगूलियत कामा, सिर्फ ख्वाहिशात, दुनिया की मशगूलियत कामा, उसके बाद सिर्फ ख्वाहिशात और लज्जतों में खोकर, और लज्जतों में खोकर, यानी लज्जतों में लग के, खोकर मतलब लज्जतों में लग जाना, लज्जतों में खोकर और लज्जतों में खोकर, लिखिए
जिंदगी का मकसद पूरा ना करना बहुत बड़ा जुर्म है। पॉइंट नंबर 4, अगवा किया हुआ शख्स, अगवा यानी किडनैप, अगवा अलिफ गैन वाव अलिफ हमजा, अगवा यानी किडनैप किया हुआ शख्स, किडनैप हो तो मालूम, अगवा का मतलब मतलब अगवा, अगवा भी बोलते हैं इसको, इगवा भी बोलते हैं, इगवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगवा भी बोलते, दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है उर्दू में। अगवा की, अगवा यानी किडनैप किया हुआ शख्स अपने मुस्तकबिल की प्लानिंग बना लेने के बाद ही, प्लानिंग बना लेने के बाद ही, प्लानिंग बना लेने के बाद ही अपने मुस्तकबिल की प्लानिंग बना लेने के बाद ही अजनबी जगह पर चैन और मजे लेता है, अजनबी जगह पर चैन और मजे लेता है। जो लोग फास्ट लिखते हैं उनके बाजू बैठने वाले जो ना थोड़ा उनका भी देख ले सकते हैं, अगर समझ में आया तो देख ले सकते हो उनका। अब इसके तहत में जो आयात है वो आयात को लिखिए, इसके तहत ये जो ये है लगा आयतों में कैसा समझा रहे हैं। आयत नंबर 1 आयात लिखे, आयत नंबर 1 लिखो, मैंने करोड़ों मखलूकात तुम्हारी खिदमत में लगा रखी है। तर्जुमा लिखा है, नहीं आयत को जो देखो इसके ये पहले ये लिख देंगे, इसके बाद फिर साथ आयत लिखा देंगे। तो आयत में क्या बता रहे हैं एग्जैक्टली तर्जुमा नहीं है ये, बल्कि ये बात समझाने के लिए मफहूम है। अल्लाह ताला जो है मतलब किस किस तरीके से बंदों पे एहसान कर रहे हैं, अपनी अपने बंदों पे अल्लाह ताला के कैसे कैसे एहसान है उसको अल्लाह कैसे समझा रहे। तो मैंने करोड़ों मखलूकात तुम्हारी खिदमत में लगा रखी है, दलील क्या है इसकी, सखर लकुम माफी समावाती वल अर्ज, सखर लकुम माफी समावाती वल अर्ज। जो लोग हुफाज हैं उलमा हैं वो तो डायरेक्ट आयत लिख सकते, जो आम लोग हैं तो वो लोग हर एक पहला लफ्ज लिख लीजिए सखर लकुम बोल के उसके बाद आयत ब्रैकेट मार के आयत नंबर लिख लीजिए, सखर लकुम माफी समावाती माफी अर्ज, माफी अर्ज सखर लकुम माफी समावाती माफी कर जमीआ, सफर रखो माफी समावाती माफी करती जमी अम बिन, जमी अम बिन ये सूरह जासिया आयत नंबर 13, सूरह जासिया आयत नंबर 13 छठी छठी आखिरी इसमें मिन छठी मिन हु सफर रखो माफी समावाती माफी करती जमी अम बिन हु सूरह जासिया आयत नंबर 13। इसका तर्जुमा लिखने की जरूरत नहीं है, तर्जुमा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इसका तर्जुमा वही है जो मैंने बताए मफहूम, कि मैंने करोड़ों मखलूकात को तुम्हारे लिए तुम्हारी खिदमत के लिए लगा के रख दिया, आसमान तुम्हारी खिदमत कर रहा, जमीन तुम्हारी खिदमत कर रही, चांद सूरज सितारे सैयारे सब तुम्हारी खिदमत कर रहे,
जमीन की सारी मखलूकात तुम्हारी खिदमत कर रही, तुम्हारे मजे के वास्ते कब्रे कर रही, इतने हजारों लाखों दुनिया के अंदर तुम्हारे मजे के वास्ते जानवर पहाड़े कट रहे, कहीं पे भैंसा कट रहे, कहीं पे मुर्गे कट रहे, कहीं पे जो है ना मुर्गियां कट रहे, कितनी तादाद कट रही दुनिया के अंदर अंदाजा लगा सकते आप, लाखों करोड़ों दुनिया के अंदर कट रहे जानवर, और बाद जगहों पर तो सांपों को भी काट रहे खिलाने के वास्ते, सांप चीन वगैरह में काटते ना सब काट देते वहाँ पे, तो करोड़ों मखलूकात को मैंने तुम्हारी हिम्मत के लिए लगा के रख दिया। आयत नंबर दो, तुम अल्लाह की नेमतें गिनना भी चाहो, तुम अल्लाह की नेमतें गिनना भी चाहो तो गिन ना सकोगे, तुम अल्लाह की नेमतें गिनना भी चाहो तो ना गिन सकोगे या गिन ना सकोगे, तुम अल्लाह की नेमतें गिनना भी चाहो तो गिन ना सकोगे। दोनों भी खाजा जब लगा देगी छोड़ दिए क्या, माशाल्लाह अच्छा काम है, जबरदस्त काम है, तुम अल्लाह की नेमतें गिनना भी चाहो तो गिन ना सकोगे। दलील, वही तुम्हारी नेमतों का ही लाभ सुहा, वही तुम्हारी नेमतों का ही लाभ सुहा, दो जगह ही नहीं है, दो जगह ही, एक तो सूरह इब्राहिम में है गालिबन, नहीं सूरह इब्राहिम में है वही तौतू नेमतुल्लाह रतुसुआ इन इंसान अदरुहु कफा वही खान इब्राहिम और बिजाल हाजल बलदा, ये आयत से जस्ट पहले क्या है तो कुरान में जरा ओपन करके ये आयत नंबर देख लीजिए, दिखा दे सो जल्दी, हां फरम बारे तेरा सूरह इब्राहिम लास्ट पेज से ऊपर आता लास्ट पेज से पहले का आयत नंबर 34 وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا سورة إبراهيم آيات نمبر 34 تو ایک جگہ کا بھی ریفرنس رہا تو کافی ہے دو جگہ ہی غالب نہیں آیا ایک جگہ کا بھی رہا تو کافی ہے لکھ لیے پوری آیت نہیں بھی لکھے تو کم سے کم آیت نمبر لکھ لیے تو آپ لوگ بعد میں اس کو جو ہے نا ایڈ کر لے سکتے ہیں قرآن میں دیکھیں पूरी आयत कंप्लीट अगर दिखाते रहे हर आयत दिखाते रहे तो बहुत देर हो जाती है। और यही बात सूरह रहमान में अल्लाह ने बार बार याद दिलाई है। आप सोचिए आज कितनी आयतें याद हो जा रही, माशाल्लाह याद हो जाएंगी, आज तो नहीं आइंदा हफ्ते तक याद हो जाएगी इंशाल्लाह, कुरान मजीद कितनी आयतें याद हो रही, कितनी आयतों का तर्जुमा याद हो रहा, एक आयत सीख लेना कुरान मजीद की दुनिया के तमाम खजानों से बढ़ गए। यही बात सूरह रहमान में अल्लाह ने बार बार याद दिलाई है, कभी अय्ये आलाई रब्बिकुमा तुकद्दिबान, कभी अय्ये आ लिख लीजिए आयत, जो लिख सकते लिख लीजिए, जो नहीं लिख सकते वो ब्रैकेट मार के कभी अय्ये तो लिख लीजिए, कम से कम बाद में उसको मुकम्मल कर देना कुरान मजीद में देख के, कभी आई आला की रब्बी को मात कर जीवा, कभी आई कभी कभी आई ऐसा लिख सकते जैसे लिखेगा तो सकते पा पा अलीफ अलीफ के ऊपर हमजा फिर या के ऊपर तशदीक, कभी आई आला की रब्बी को मात कर जीवा, ऐ जिन्नात और ऐ इंसानों तुम अल्लाह तआला की कौन कौन सी नेमतों को ठुकराओगे, कौन कौन सी नेमतों का इनकार करोगे,
कौन कौन सी नेमतों को छूट लाओगे। अभी यही आ रहा है अपने पास बार बार कदर अल्लाह तआला सुब्हान रहमान में एक आयत आती दो आयत आती उसका फिर आया था ये कभी यही आ रहा है अपने पास कदर दीवान। पॉइंट नंबर थ्री थ्री फोर हो गया ना हाँ आयत नंबर थ्री आयत नंबर आयत नंबर तीन फोर पॉइंट क्या तीसरी आयत नहीं नहीं ये तीसरी आयत है वो फोर आयत नंबर दो के पॉइंट नंबर दो के या आयत नंबर दो के तहत में दो आयतें लिखी अपन एक तो वही काम तो नियमतुल्लाह सुहा लिखे और फिर वही बात लिखे यही बात अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में बार बार याद दिलाई है तो पॉइंट के तहत में नहीं अलग अलग से पॉइंट नहीं है उसका। पॉइंट नंबर टू आयत नंबर थ्री अब है आयत नंबर थ्री आयत नंबर थ्री आयत नंबर थ्री आपको सभी यही याद है या अपनी मातृका जीवन को तीन आयत लिख दी शायद वहाँ पे नहीं बोला फिर आयत नंबर चार बोला था नहीं आयत नंबर तीन दुनिया में भेजने से पहले ही जल्दी जल्दी फास्ट लिखिए थोड़ा दुनिया में भेजने से पहले ही मैं अपनी बंदगी का दुनिया में भेजने से पहले ही मैं अपनी बंदगी का अहद ले चुका हूँ अहद ले चुका हूँ अहद यानी वादा दुनिया में भेजने से पहले ही मैं अपनी बंदगी का अहद ले चुका हूँ यानी वादा ले चुका हूँ इसकी दलील क्या है अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला सूरह आराफ आयत नंबर 172 आयत नंबर 172 सेवन टू नाइन कैसे लिखे भाई सूरह आराफ बारह नौ में सूरह आराफ आयत नंबर 172 अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला लिख लिए 172 लिख लिए ब्रैकेट डाल के लिखिए यानी इंसान की फितरत में अल्लाह का इकरार इंसान की फितरत में अल्लाह का इकरार और अल्लाह की मोहब्बत पहले ही से मौजूद है इंसान की फितरत में अल्लाह का इकरार यानी एक्सेप्ट करना अल्लाह का इकरार और अल्लाह की मोहब्बत पहले ही से मौजूद है अल्लाह ताला को मतलब चींटियों की शक्ल में तमाम इंसानों को अल्लाह ताला अपने सामने जब जमा करा था आलम अलस्त बोलते हैं उसको आलम अलस्त में पैदाइश से पहले सारे इंसानों को चींटियों की शक्ल में अल्लाह ताला जमा करा था तो उस वक्त इंसान अल्लाह को देखा था और उस वक्त अल्लाह ताला की बात सुनी थी इंसानों ने आवाज़ सुनी थी तो पहले से ही मोहब्बत मौजूद है इंसान के अंदर ये अलग बात है कि दुनिया में पैदा करे तो अल्लाह ताला क्या करे उसको दुनिया के अंदर भेजे दिल की गहराइयों में अपनी मोहब्बत रख के भेजे माहौल की वजह से फिर इंसान अल्लाह को भूल जाता तो वो पॉइंट है यहाँ पे लिख रही है इंसान की फितरत में अल्लाह का इकरार अल्लाह की मोहब्बत पहले ही से मौजूद है आयत नंबर चार जल्दी लिखे तो ज़्यादा नहीं है थोड़ा ही से तो एक काम करेंगे ये आयत हम कंप्लीट करके छोड़ देंगे उसके बाद जो है ना आगे का मजमू आइंदा लिखेंगे काफ़ी वो ज़्यादा लिख रहे सर दिख रहा सुन लो सुन लो ऐसा दिख रहा है जैसा थोड़े गुस्से में है क्या मेरे ऊपर और कितने आते हैं पूछ रहे इसके बाद एक और एक आए थे पाँच नंबर दो सफ़े और है सगर ठीक है चलिए कमजोर लोग आए ना कमजोरी के साथ ही चलेंगे पाँचवीं के बाद कंप्लीट कर लेंगे पाँच के बाद हाँ आयत नंबर चार आला सिफात वाली रूह आला आला बोलो बहुत बुलंद बाला
आला उसको मैं उर्दू में तजवीज़ के साथ नहीं बोलते बल्कि मैं आला बोला मैं आला आला सिफात वाली रूह मैंने तुम्हारे अंदर रखी है, आला सिफात वाली रूह मैंने तुम्हारे अंदर रखी है। लकद खलकन इंसान फी अहसनी तकवीम, दलील क्या है उसकी? लकद खलकन इंसान फी अहसनी तकवीम, वतीनी वज़्ज़ैतून की आयत है, ये छोटा सूरा है, बहुत सारों को तो याद भी होगा। लकद खलकन इंसान फी अहसनी वतीन वज़्ज़ैतून वतूरी सीनीन वहाज़ल बलद अमीन, उसे आयत नंबर 5 सूरह 3 की, लकद खलकन इंसान फी अहसनी तकवीम। यानी ए इंसान तू किधर भटक रहा, क्या लिखो ना कोई है, यानी ए इंसान तू किधर भटक रहा, किस गफलत में पड़ा हुआ है, कहाँ गहराई में जाके गिर गया तू, तुझे एहसास है मैंने तुझे पैदा किया तो बेहतरीन सांचे में ढाल के बनाया तुझे, अपनी तमाम मखलूकात में से सबसे बेहतरीन बना के तेरे मैंने पैदा किया। एक साहब ने एक बादशाह के ज़माने में, एक छोटा सा वाक़ा सुन लो, एक साहब एक बादशाह के ज़माने में अपनी बेगम को बोले अगर तू चांद से ज़्यादा खूबसूरत नहीं है तो तेरे तलाक, इसे क्या बोलते हैं कंडीशनली तलाक बोलते हैं, कंडीशनली तलाक, कंडीशन लगा के तू चांद से ज़्यादा खूबसूरत नहीं है तो तुझे तलाक, बोलने को तो मोहब्बत में जज्बात में बोल दिए, बेगम अच्छी दिखी तो बोल दिए, अब परेशान हो गए चांद से ज़्यादा खूबसूरत एक इंसान कैसे हो सकता, चांद तो खूबसूरती की एक मिसाल है, हर वक्त मिसाल देने के लिए बोलते चांद खूबसूरत है बोलते, तो दूसरी तरफ ये मसला बड़ा हो गया पूरे शहर में जो ना टॉप ऑफ द टाउन बन गया, ये पूरे शहर में गुफ्तगू हो रही इसकी। आखिर में बादशाह के दरबार में ये मसला गया, बड़े बड़े उलमा बैठे हुए थे वहाँ पे, जब ये मसला गया तो सब उलमा बोले कि तलाक हो गई, इसलिए कि चांद से ज़्यादा एक खूबसूरत कोई इंसान नहीं हो सकता। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के शागिर्दों में से कोई शागिर्द वहाँ पे मौजूद था, उस शागिर्द ने कहा कि तलाक नहीं हुई, तलाक नहीं क्यों नहीं हुई, तो बोला कि इस वजह से नहीं हुई कि दुनिया की सबसे खूबसूरत तख्लीक इंसान है, इंसान से खूबसूरत कोई भी नहीं है। और ये बात क्यों बोले कि दलील क्या है, तो बोले ये आयत है दलील, लकद खलकन इंसान फी अहसन तकवीम, के बेशक हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में पैदा किया है, तो सांचे में जाहिर भी आ गया बातिन भी आ गया सब आ गया उसमें, इंसान बोले अल्लाह करा, तो रूह तुम्हारी सब इतनी बेहतरीन, और तू क्या कर रहा, तुझे ना दुनिया की गंदगी में, दुनिया की गंदगी के ढेर में गफलत में पड़ा हुआ, अल्लाह से गाफिल हो गया, आखिरत से गाफिल हो गया, तो ये डराने वाली झटका देने वाली आयत है ये। और पांचवी आयत लिख लो बस, उसके बाद इंशाल्लाह जो है ना डायरेक्ट खाना, यह पांचवी आयत लिख लो, नहीं कई को बोल रहे खाना तो हल्का करके खाना देंगे। पांचवी आयत, नेकी और बुराई का शऊर तुमको दिया है, नेकी और बुराई का शऊर, शऊर माने समझ, अभी आया इससे पहले आया ये लफ्ज़, नेकी और बुराई का शऊर तुमको दिया है, नेकी और बुराई का शऊर तुमको दिया है, देखने कामा, देखने कामा, सुनने कामा, समझने फिर कामा, देखने सुनने समझने, देखने सुनने समझने, इबरत हासिल करने, ये पूरे चारों के बीच में कामा आना, देखने के बाद कामा, सुनने के बाद कामा, समझने के बाद कामा, और इबरत, सॉरी इबरत हासिल करने इसके बाद कामा, उसके आगे लिखिए और सही फैसला लेने की, इबरत हासिल करने लिख लिए थे ना, इबरत हासिल करने और सही फैसला लेने की सलाहियत तुम्हारे अंदर रखी है, सही साद हा या हा, सही रोमन इंग्लिश में हा नहीं लिखते आमतौर पर, आखिर में सही बोल के लिखते खाली, सही फैसला लेने की सलाहियत तुम्हारे अंदर रखी है। दलील लिख लिए, देखने सुनने समझने इबरत हासिल करने और सही फैसला लेने की सलाहियत तुम्हारे अंदर रखी है, इसकी दलील क्या है? इन्ना खलकनल इंसाना, इन्ना खलकनल इंसाना, सुल हर अदा वाल इंसान हीन मिन अल्लाह लम यकुन शैयन मज़कूरा, इन्ना खलकनल इंसाना, सूरह दहर आयत नंबर 2,
सूर्य दहर आयत नंबर 2, सूर्य इंसान भी बोलते हैं, दो नाम है ये सूर्य के, सूर्य इंसान भी है सूर्य दहर भी है। सूर्य दहर आयत नंबर 2, इन्ना खलकनल इंसाना, इन्ना खलकना अल इंसान, हाँ अल इंसान, इन्ना खलकनल जब बोलते तो अली अल रहता हो, खलकना अल इंसाना, हाँ खलकना अल इंसाना, मैं उसको पढ़ते खलकनल इंसाना बोल के पढ़ते हैं, इन्ना खलकनल इंसाना। ये आयत में हुफ्फाज उलमा है पूरी आयत लिख लीजिए, मिन नुत्फतिन मिशादिन नब्तलीही फजअलनाहु सलीमन बसीरा, कि बेशक हमने इंसान को गंदे नुत्फे से पैदा किया है। तर्जुमा भी आप लोग देख के लिख ले सकते हैं उसमें, नब्तलीही फजअलनाहु सलीमन बसीरा, इसका तर्जुमा भी देख के लिख लीजिए। और ये सूरह दहर की आयत नंबर 2 है, और दूसरी आयत देखिए इसकी, इसके तहत पे वहदैनाहु नजदैन, सूरह बलद की वहदैनाहु नजदैन, आयत नंबर 10 है सूरह बलद की आयत नंबर 10, और तीसरी आयत देखिए फाल हमाहा फुजूरहा व तक्वाहा, सूरह शम्स आयत नंबर 9, आयत नंबर 8, सूरह शम्स आयत नंबर 8, फाल हमाहा फुजूरहा व तक्वाहा, इसका तर्जुमा जो है ना आप लोग लिख लीजिए, लिखने की याद करिए। क्या बता रहे अल्लाह ताला इसके अंदर, अल्लाह ताला इसके अंदर बता रहे कि मैंने इंसान को, तुम अपनी तकलीफ पे गौर करो, अपनी पैदाइश पे गौर करो, गंदे पानी से पैदा हुए तुम, फिर उसके बाद मैंने तुम्हें ऐसा बनाया कि समझदार की समीआ बसीरा बनाया मैंने तुमको, देखने वाला सुनने वाला यानी समझदार बनाया, फिर उसके आगे अपना क्या कर रहे जानना समीआ बस, इन्ना हदीनाहु सबीला इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा, हमने रास्ता तुमको दिखा दिया, तुम्हारी मर्जी, शाकिर बन के आना है तो शाकिर बन के आओ, काफिर बन के आना है तो काफिर बन के आओ, तुम्हारी मर्जी, यानी तुम नेक और फरमाबरदार बन के आना चाहो तो तुम्हारे ऊपर है, डिपेंड्स ऑन यू, अपन यू, अपन यू बोलते, अपन यू, तुम्हारी मर्जी, अच्छे बन के आना है अच्छे बन के आओ, बुरे बन के आना है बुरे बन के आओ, हमने रास्ता दिखा दिया, दोनों रास्ते दिखा दिए, क्या है वहदैनाहु नजदैन, हमने इंसान को दोनों रास्ते दिखा दिए, ये आदम से लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक का रास्ता ये है, और इबलीस और इबलीस की ज़ुर्रियत का रास्ता ये है, शैतान का, तुम्हारे ऊपर है। दूसरी आयत, तीसरी आयत सूरह शम्स की, वश्शम्सि वदुहाहा आयत नंबर 8, फाल हमाहा फुजूरहा व तक्वाहा, मेरे भाइयों ये है काम समझने का, याद करने का, ये अगर याद करेंगे आप तो आप जो है ना बोलने पे कादिर होंगे, समझाने पे कादिर होंगे, दीनी दोस्ती को समझा सकेंगे आप, और फिर आपके ज़रिए से जब जिंदगियां बदलेंगी लोगों की, लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली आएंगी, कोई इंसान आपको तन्हाई में पकड़ के बोलेगा भाई आपके समझाने की वजह से मेरे इतने गुनाह छूट गए और मेरी नमाजों की कैफियत बदल गई, मुझे अल्लाह के सामने रोने आ रहा, अब मेरे को डर पैदा हुआ, अल्लाह का डर पैदा हुआ, आखिरत का डर पैदा हुआ, आपके समझाने से मेरी ज़िंदगी बदल गई, जब तन्हाई में कोई बंदा आपको बोलेगा तो आपको उस वक्त जो सुकून मिलेगा और खुशी मिलेंगी वो खुशी मेरे भाइयों किसी और तरीके से आपको नहीं मिल सकती, किसी और ज़रिए से नहीं मिल सकती, आपके दिल में ये एहसास पैदा होगा कि मेरे अल्लाह आपने आज मुझे ज़रिया बना के एक इंसान को जहन्नम से बचाने का इंतज़ाम किया है, वो कैफियत बनेंगी आपकी जब आप बोलने पे कादिर होंगे। अब जितने कितने साथी लिखेंगे हाथ उठा के बताओ ज़रा, मैं मालूम था कौन कौन नहीं लिखे, अच्छा जो साथी नहीं लिखे क्या करना है, नहीं लिखना है या लिख लेना है, लिख लो आप अपने साथी के पास से कापी लेके लिख लो, हैदराबाद में जो साथी याद करे अपन लोग उसका आधा लिखे, अभी एक दिन एक मतलब एक हफ्ते में उन लोग जितना याद करे अपन उसका आधा लिखे, अपन मतलब हैदराबाद बड़ा शहर है, ज़्यादा समझदार लोग रहते हैं वहाँ पर, अपन ज़रा थोड़े कम है ना समझदारी में, नहीं तो कमज़ोर है थोड़े हम लोग, उन लोग पहले से भी लगे हुए हैं, फिर उनको असल बात यह कि हज़रत की सोहबत नसीब है, तो हज़रत जिस तरीके से जज्बा दिला सकते हैं वो हम कैसा दिला सकते हैं, तो काम ये करना है कि एक हफ्ते में जो मज़मून अपन लिख लिए वो मज़मून याद करके आना है, आप कोशिश करिए कि कुरान की वो आयतें जो लिखी गई हैं वो भी याद करें, आप याद करें वो भी कोशिश करिए, अगर याद नहीं कर सकते तो तर्जुमा तो कम से कम याद करें उसका, और उसका आसान तरीका ये है कि जितना लिखा गया उसको डिवाइड करिए आप,
उसके छोटे छोटे पार्ट बनाइए, इंशाल्लाह एक दिन में मुझे इतना याद करना है। और वो खाली एक दो मरतब पढ़ लिए ख़त्म हो गया ऐसा नहीं था। बेगम को सुनाना, अगर आप साहिब बेगम हैं तो अपनी बेगमों को सुनाना, और अगर आप अभी तक साहिब बेगम नहीं हैं तो अपने भाइयों को, दोस्तों को, कोई भी नहीं मिले तो दीनी दोस्तों मिलता ही मिलता, दीनी दोस्त को सुनाया ना आपने, और अगर दीनी दोस्त भी नहीं मिल रहा तो नसीब है, नसीब को पकड़ पकड़ के सुनाना, और नसीबों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है मेरे भाइयों, आप लोगों की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला आपको जिम्मेदार बनाया है तो आप अपने हलके की फिक्र करें, हर साथी को याद हो इसकी फिक्र होना, एक काम। दूसरा काम जो ना, आइंदा हफ्ते अपनी कापियों में फेर अच्छे अंदाज में लिख के लेके आना, और दो तीन उलमा से सिग्नेचर कराना, चेक करा के मैं सही लिखा क्या देखिए बोलिए, मौलाना जाफर साहब है, मुफ्ती अब्दुल अलीम साहब है, मुफ्ती कलीम साहब है यहाँ पे, और भी कोई साथी अगर जिम्मेदारी ले सकते तो बिल्कुल ले सकते, मुझे भी दिखा सकते, बाद में ले जाना सबसे आखिर में मेरे पास, मतलब उन लोग दिखा रहे ना, अगर कोई बच गए तो फिर मैं देख लूँ इंशाल्लाह, तो नहीं देख को मैं मजाक कर रहा हूँ मैं इंशाल्लाह। तो इनकी सिग्नेचर होना, साथियों को दिखा के अपने जिम्मेदारों को दिखा के सिग्नेचर लेना उसकी, और सुनाना भी अपने साथियों को, एक हफ्ता भर याद करके सुनाना, परफेक्ट याद रहना हर साल, याद करेंगे इंशाल्लाह मेरे भाइयों, यूँ समझ लो कि ये आखिरी सूरत है अपनी सुधरने की। अगर ये भी अपन नहीं करें तो फिर दीन दोस्ती का काम अपन नहीं समझ सकते, नहीं कर सकते, अगर अपन ये काम भी नहीं करें तो। इसको याद करिए, टाइम निकाल के रोज़ाना अपने फ़ोन के अंदर इसकी कापी भी लेके रखिए, कैप्चर करिए, कैप्चर करके याद करिए, एक लाइन याद करो पहले अच्छी तरीके से, जब वो लाइन बोल सके पूरी, दूसरी लाइन याद करो, फिर वो दो लाइनों को मिला के, जैसा कुरान याद करने का तरीका है, दो लाइनों को मिला के याद करो, फिर तीन लाइनों को मिला के याद करो, फिर तीन चार पांच लाइन याद हो गए तो किसी साथी को सुना लो, भाई सुन लो मेरा, जरा फ़ोन करके सुनाओ, फिर फ़ोन करके जब सुनाते हैं तो जब कापी बंद है ना, कापी खुली रख के नहीं सुनाना, कापी बंद रख के फ़ोन करके अपने साथी को सुनाना, साथी भी सामने से याद हो गया तो अप्रिशिएट करना, बोलना भाई मेरा भी सुन लो, मैं भी याद कर लिया, याद नहीं हुआ तो क्या आया रहा तुम, कहेगा दिमाग है तुम्हारा पूरा आई पे नहीं देख रहे आजकल खाली तुम, ऐसा समझ में आ रही ना बात। तो क्या करेंगे फिर, क्या फरमाते जो दूसरे उलमा उसी साहब क्या करेंगे, हल्का लगेंगे 10 मिनट के लिए डायरेक्ट खाने पर, 10 मिनट के लिए सिर्फ, एक दो काम, एक तो पुरजोश अंदाज में मुलाकात करना है और दूसरा जो है दुआ करना है हल्के के अंदर, तो सिर्फ 10 मिनट के लिए हल्के लगा लीजिए अपने अपने। और नकीब हजरात जो है थोड़ा सा जो बातें अभी हम करें इसको थोड़ा सा और अपने साथियों को समझाएं कि भाई याद करना कितना ज़रूरी है, और साथियों की जोड़ियां बनाएं तो जोड़ियां बना दीजिए। और एक बात, आखिरी बात, जो साथी नहीं लिख सकते, लिखना पढ़ना नहीं जानते, उनकी छुट्टी नहीं है, उन्हें भी समझने की कोशिश करना, जो साथी लिख लिए उनके पास बैठ के या उनका टाइम लेके, भाई मेरे को भी थोड़ा याद दिलाओ, ज़बानी याद दिलाओ, मैं लिख लिया नहीं, आप मुझे ज़बानी याद दिलाओ, ज़बानी याद उनसे करवा लेना, ठीक है ना, हल्के लगा लीजिए।